2014 में एनडीए ने यूपीए को हराकर केंद्र की सत्ता पर कब्जा किया था, तब कांग्रेस ने बिना निराश हुए आगे की तैयारी जारी रखी। लेकिन 2019 में एनडीए के हाथों मिली करारे शिकस्त से शायद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी बेहद निराश हैं, जिसके चलते वो अपना इस्तीफा देने पर अड़े हैं। पार्टी का हर दिग्गज उन्हें मनाने की कोशिश में जुटा है और इसी कड़ी में दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित भी राहुल से मिलने पहुंची। तो क्या कहा शीला ने राहुल के बारे में, इस रिपोर्ट में देखिए। मोदी की आंधी ने विपक्ष को जिस तरह से साफ किया है, उसका सबसे ज्यादा असर कांग्रेस पर देखा जा रहा है, जो अपनी हार से उबरने की बजाय लगातार निराशा में डूबती जा रही है। इस करारी हार ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया है, इसलिए राहुल गांधी इस्तीफा देने पर अड़े हैं। उनका कहना है कि पार्टी में बदलाव करना होगा, मैं इस्तीफा वापस नहीं लूंगा। लेकिन कांग्रेस के दिग्गज राहुल को समझाने की कोशिश में लगे हैं। मंगलवार को इसे लेकर यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने राहुल से उनके आवास पर मुलाकात की। यहां तक कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी राहुल को इस्तीफा नहीं देने की नसीहत दी। लेकिन राहुल हैं कि किसी की सुनने को तैयार नहीं। जब सब राहुल को मनाकर थक चुके थे, तो आज दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष शीला दीक्षित राहुल से मुलाकात करने पहुंची। उनके साथ कांग्रेस समर्थक भी राहुल के आवास पर पहुंचे, लेकिन राहुल गांधी शीला दीक्षित से नहीं मिले। बाद में शीला दीक्षित ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनावों के परिणाम से निराश होने की जरूरत नहीं है। पार्टी के लिए राहुल गांधी ने अच्छा काम किया है। हार जीत चलती रहती है, लड़ना जरूरी है। हार हुई है, उसकी समीक्षा की जाएगी, गलतियों को सुधारा जाएगा। शीला दीक्षित ही नहीं बल्कि डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने भी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से अपने पद से नहीं हटने का अनुरोध किया और कहा कि उनकी पार्टी भले ही आम चुनाव हार गई, लेकिन राहुल ने लोगों का दिल जीता है। लेकिन इन सबके बीच एक सवाल ये है कि क्या वाकई राहुल इस हार से इतना टूट गए हैं कि किसी के भी मनाने का उन पर कोई असर नहीं हो रहा, या फिर इस्तीफा देने के पीछे उनका कोई और मकसद है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।